Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. सरकार के मंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे और हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राजन जी विचारे, आमदार श्री प्रताप जी, आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी और यहाँ की महापौर श्रीमती दिनकर जी मेहता और श्री अमरजीत जी मिश्रा जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी और श्री हेमंत जी यहाँ के जिलाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री विक्रम प्रताप सिंह। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने हम लोगों का अभिनंदन किया, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत और अभिनंदन एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति है। आज के कुछ महीने पहले लोग यह मानते थे कि भाजपा और शिवसेना की युति टूट है, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त, चाहे जो कुछ भी हो, भाजपा और शिवसेना की युति यह किसी भी सूरत में टूटने नहीं पाएगी, क्योंकि यह युति बनी है तो ईश्वर के आशीर्वाद से बनी है, देश बनाने के लिए यह युति बनी है। क्यों पटाखे फोड़े? आज ही भी भाजपा शिवसेना की युति बहनों भाइयों यह टूटने वाली नहीं। आप ये कहेंगे कि इतने विश्वास के साथ आप ये कैसे कह रहे हैं कि भाजपा शिवसेना की युति टूटेगी नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दोनों राजनीतिक पार्टियों का विजन भी एक है और दोनों राजनीतिक पार्टियों का मिशन भी एक है, इसलिए किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति टूट नहीं सकती। जब लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे उस समय भी मैंने कहा था, आश्वस्त रहिए, परिवार में भी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो चलता रहता है, लेकिन परिवार जैसे नहीं टूटता है वैसे ही हमारी भाजपा और शिवसेना की युति भी टूटने नहीं है। और एक वाक्य और मैंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये दोनों राष्ट्रीय विचारधारा की दो धाराएं हैं, और भारत की राष्ट्रीय विचारधारा की जो दो धाराएं हैं इनका संगम यदि कहीं पर होता है तो महाराष्ट्र की धरती पर होता है। बहनों भाइयों, पिछली बार भी हम लोगों ने शानदार कामयाबी हासिल की है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार भी हम लोगों को शानदार कामयाबी हासिल होकर रहेगी। तीन चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तीन चरणों के जो चुनाव संपन्न हुए हैं उनकी रुझान की जानकारी आप सबको भी होगी। हर राजनीतिक विश्लेषक की सच्चाई को स्वीकार करता है, यदि भारत में पुनः किसी की सरकार बनने जा रही है तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सभी कांग्रेस और एनसीपी के लिए भाजपा और शिवसेना का गठबंधन हो जाने के बाद अस्तित्व का संकट पैदा हो गया, और आपने देखा एनसीपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद पवार जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत ही सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी सूझबूझ की भी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, उसकी मैं दाद देता हूं शरद पवार साहब की, क्योंकि इस देश में राजनीति के हवा के रुख को उन्होंने पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।
लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां मिलकर एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी सूरत में मोदी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, मोदी हो यही लक्ष्य है। लेकिन आप जानते हैं नकारात्मक सोच के आधार पर चाहे कोई व्यक्ति हो अथवा कोई राजनीतिक पार्टी हो, बहनों भाइयों, यदि कोई प्रयास करती है उसका प्रयास कभी सार्थक नहीं हो पाता, कभी फलदायी नहीं होता। चुनाव में यदि कामयाबी हासिल करनी है मुद्दों के आधार पर कामयाबी हासिल करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, नकारात्मक सोच के आधार पर नहीं। जो भी महागठबंधन है, महामिलावट जो भी है, आपको चुनावी कामयाबी हासिल करनी है तो देश की जनता के सामने आप अपने उस पक्ष को रखिए कि आपकी सरकार बनने के बाद आप क्या करेंगे, देश को आप कैसे आगे ले जाएंगे। आपको यह सब सारे मुद्दे जनता के सामने रखने चाहिए, केवल यही कि मोदी रोको और सारी मर्यादाओं को लांग चुके हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपशब्दों तक का प्रयोग किया। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ये व्यक्ति नहीं होते हैं, संस्था होते हैं। हम लोगों ने भी चाहे कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री रहा हो तो किसी पार्टी का, कभी भी किसी के बारे में अपशब्दों का अथवा हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यह मानता हूं कि लोकतंत्र में यदि संस्थाएं कमजोर पड़ने लगती हैं तो संस्थाओं की प्रतिष्ठा गिरने लगती है, लोकतंत्र को भी टूटने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। लोकतंत्र टूटता है, लोकतंत्र कमजोर होता है तो देश भी कमजोर होता है। लेकिन इस हद तक चले गए कि चौकीदार चोर है। बहनों भाइयों, मैं तो बिल्कुल शॉक्ड था। एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मुरादाबाद की एक सभा को संबोधित करने के लिए मैं 2 महीने पहले गया और वहां की जनता से मैंने कहा कि मित्रों, 5 वर्षों का समय गुजरने जा रहा है, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी हो अथवा कोई मंत्री हो, किसी के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की दाम। और उसके बारे में इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग राफेल के मामले को लेकर, बहनों भाइयों, या कांग्रेस की सरकार ने लगातार 30 वर्षों तक एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं हमारी सेना के जवानों को खरीदे। चाहे उरी का हमला हो, चाहे पुलवामा का हो, हमारी सेना के जवानों को पाकिस्तान की धरती पर जाकर कार्रवाई करनी पड़ी। यदि रफेल होती तो भारत की धरती पर बैठे बैठे रफेल के माध्यम से आतंकवादी ठिकाने का सफाया कर सकते। चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, बहनों भाइयों, कोई मुली नहीं उठा सकता है। भ्रष्टाचार इन लोगों की सरकार रही है, यहां तक कि इनकी सरकार के मंत्रियों को जेल की व्यवस्था खानी पड़ी है। अनाप शनाप जो आता है जो आरोप लगा है, हताश है, जानते हैं आगामी कई वर्षों तक अब यहां सरकार यदि रहने वाली है तो एनडीए की सरकार रहेगी। बहनों भाइयों, हम लोगों ने जनता का विश्वास जीता है, भरोसा जीता है। जनता के विश्वास और भरोसे को तोड़कर कामयाबी नहीं हासिल की जा सकती। कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, क्यों उसकी है दुर्गति। कभी गरीबी के सवाल खड़ा करते हैं और मैं याद दिलाना चाहता हूं, सबसे ज्यादा गरीबी को हर चुनाव में मुद्दा बनाने का काम करती है तो यह कांग्रेस पार्टी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी गरीबी हटाने की बात की थी, उसको मुद्दा बनाया था चुनाव के बाद। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी मुद्दा बनाया, गरीबी हटाओ देश बचाओ। राहुल जी ने भी मुद्दा बनाया, राहुल जी को इतने लाचार भी एक समय दिखते थे तो कहते थे 16 पैसा ऊपर से 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं
नीचे पहुंचते पहुंचते केवल 16 पैसा पहुंच पाता है। और अब राहुल गांधी उसी गरीबी को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन गरीबी को दूर करने के लिए जो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, इनकी लंबे समय तक 50-55 वर्षों तक सरकार रही है लेकिन कभी भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं मेरे भाई, और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि मेरी बात यदि कोई गलत हो तो लिख दीजिए, क्योंकि मैं जनता को गुमराह करके राजनीति करने में कभी विश्वास नहीं करता। अमेरिका का माना जाना एक थिंक टैंक, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट, उसने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि 2016 में जब हम लोगों ने भारत में सर्वे किया था तो उसमें 12.5 करोड़ लोग ऐसे थे जो गंभीर गरीबी के संकट से गुजर रहे थे। लेकिन आश्चर्य हुआ 2019 में जाकर जब हम लोग सर्वे किया तो 7.5 करोड़ लोग गंभीर गरीबी के संकट से बाहर हो चुके थे। और भारत में गरीबों की संख्या जो गंभीर संकट से गुजर रहे हैं जो 5 करोड़ बची है बहनों भाई, 5 करोड़ बची। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं 5 से लेकर 7, 8, 10 वर्ष के अंदर यदि ऐसे ही सरकार चलती रही भारत दुनिया का इकलौता देश होगा जहां पर कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने को मजबूर नहीं। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, विपक्षी लोगों को दिखाई नहीं देता, या मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दुनिया की मानी जानी आर्थिक संस्था, उसने कहा है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यानी दुनिया की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था इस समय यदि कोई है तो हमारे और आपके देश भारत की है बहनों भाइयों, सारी दुनिया की। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, भारतवर्ष की किसी एजेंसी का आंकड़ा नहीं, मोस्ट क्रेडिबल एजेंसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। और इतना ही नहीं, उसी का यह भी मानना है 2014 में जब सरकार बनी थी उस समय हमारा यह भारत दुनिया के टॉप के 10 देशों में 9वें स्थान पर खड़ा था, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में। लेकिन 4-4.5 वर्षों के अंदर ऐसा करिश्मा हुआ, वही भारत जो 2014 में दुनिया के टॉप 10 देशों में 9वें स्थान पर था और जंप लेकर बहनों भाइयों 6वें स्थान पर आ गया। और मैं यकीनन बताना चाहता हूं दिन दूर नहीं है कुछ ही महीनों के बाद हमारा भारत 5वें स्थान पर होगा। और विश्वास रखिएगा देश यदि ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो 2030-2031 आ गया रूस चीन अमेरिका जो दुनिया के धनवान और ताकतवर देश माने जाते हैं उनमें से एक देश को पीछे छोड़कर हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्री में आकर खड़ा हो जाएगा। एक ही यही कहा, लोग ये कहेंगे कि क्या करिश्मा कर दिया मोदी जी ने कि देश इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं भाइयों मैं लंबे चौड़े आंकड़े आपके सामने पेश नहीं करना चाहता, केवल 3-4-5 बातें आपके सामने रखूंगा। देश क्यों आगे बढ़ रहा है, और मैं चाहूंगा बड़ा से बड़ा अर्थशास्त्री हो यदि हमको कंट्राडिक्ट करना चाहता है कंट्राडिक्ट कर सकता है। इसलिए मैंने यह बात कही है, इसने कहा है कि उन्होंने करिश्मेटिक काम किया है, करिश्माई काम किया है। आप आंकड़े उठा कर देखिए, जैसे मैं एक योजना लेता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना, कांग्रेस के समय भी यह प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई नई योजना चलाई है। 2008 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की हुकूमत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 25 लाख मकान बने थे और लोगों को आवंटित हुए थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा स्टाइल ऑफ वर्किंग, काम करने की शैली हमारी सरकार की कैसी है, हमारे प्रधानमंत्री की कैसी है, उन्होंने 2008 से लेकर 2014 तक 25 लाख आवास तैयार किए और हम लोगों ने 4.5 वर्षों के अंदर 1.3 करोड़ मकान बनाकर जनता को यह काम करने की शैली। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम लोगों ने 7 करोड़ से अधिक परिवारों के घर में गैस कनेक्शन दिया। बहुत सारी गरीब परिवारों की माताएं बहनें कल्पना भी नहीं कर सकती होंगी कि उनके जिंदा रहे थे अभी गैस सिलेंडर उनके घर में आएगा।
यानी संवेदनशील सरकार से जो उम्मीद की जाती है उन उम्मीदों की कसौटी पर यह सरकार पूरी तरह से खड़ी होती है। और आपको यह भी आश्चर्य हो 1947 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने 12 करोड़ गैस कनेक्शन दिए, लेकिन 4.5 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 13 करोड़ गैस कनेक्शन लोगों को। स्वच्छता का दायरा जो कभी स्वच्छता का दायरा ये 40 ईस्वी 1947 से लेकर 2014 तक था वह 4.5 वर्षों में बढ़कर 90% 92% 95% तक पहुंच गया। यही कारण है कि देश तेजी के साथ आगे बढ़ा। अन्य भी ऐसे थे कई महत्वपूर्ण काम, नेशनल हाईवे यही के मंत्री हैं महाराष्ट्र के हमारे मित्र नितिन जी कहते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में 8-9-10 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बना करती थी, आज मेरे बहनों भाइयों 28 से लेकर 32 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बन रही हैं। देश क्यों नहीं आगे इसलिए हमारा देश आगे, और इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारा देश धनवान होगा, दुनिया के धनवान देशों के कतार में आकर खड़ा होगा, इसे विकसित देश कहते हैं। यदि भारत को हम केवल धनवान भारत नहीं बनाना चाहते, हम भारत को बलवान भारत भी बनाना चाहते। दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए हम भारत को बलवान देश नहीं बनाना चाहते, क्योंकि भारत कभी भी विस्तारवादी नहीं रहा। दुनिया के किसी देश पर हम लोगों ने कभी कोई आक्रमण नहीं किया। भारत के प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलट कर कोई देखे, इतना ही नहीं हमने दुनिया के किसी एक देश की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं कभी किया, यह हमारा नहीं दिया। लेकिन आत्म सुरक्षा के लिए बहनों भाइयों किसी देश का बलवान होना भी आवश्यक है, और आपने देखा हम लोगों की ताकत का एहसास, चाहे डोकलाम का मामला चीन के साथ था, शायद यदि कोई दूसरा रहता तो चीन के सामने घुटने टेक देता, लेकिन हम लोगों ने घुटना नहीं टेका बहनों भाइयों, बराबरी के स्तर पर डटे रहे, डोकलाम की समस्या का समाधान किया। इतना ही नहीं पुलवामा का जो कुछ भी हुआ है उसकी आपको जानकारी है, इरानी हमले में हमारे सीआरपीएफ के 40-42 जवानों को मार डाला, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने हम 2-3 लोगों के साथ बैठक लेकर चटपट फैसला किया। 13 दिन नहीं बीतने पाए थे हमारे एयरफोर्स के जवानों ने भारत की धरती से नहीं पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकाने का सफाया करने में कामयाब। उसके बाद विपक्ष के लोग ये पूछते हैं कि ये बताओ कितने लोगों को मारा, भाइयों हमारे सेना के जवानों की शौर्य और पराक्रम पर ये सवालिया निशान लगा।